हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लिपण आर्ट, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वुड लेंगे, जो कि मुझे मिला है 25 रुपीज़ में। फिर एक लेंगे मोल्डेड, जो कि 35 रुपीज़ का। एंड मुझे कुछ मिरर्स मिले थे, जो कि मुझे मिले थे ओनली 20 रुपीज़ में। एक राउंड मिरर मिला मुझे 10 रुपीज़ में। ये टोटल मुझे ओनली 490 रुपीज़ में मिला है। तो हम 90 रुपीज़ में एक लिपण आर्ट रेडी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक सेंटर लाइन लेंगे। मिरर को चिपकाने के लिए फेविकोल हमने लगा लिया अच्छे से, और इसमें एक राउंड मिरर चिपका देंगे। फिर मोल्डेड लेकर उसको मिक्स करेंगे तक ये प्रॉपर वाइट ना हो जाए तब तक। फिर हम हल्का सा एक पाउडर लेकर उसको मोल्डेड से इतना पतला करेंगे जितना आप कर सकते हो उतना, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम था तो मुझसे ज़्यादा नहीं हो पाया, बट मैंने कोशिश की। तो आप भी कोशिश करो, आई थिंक हो जाएगा। हम फेविकॉल की मदद से मोल्डेड को अच्छे से मिरर के पास चिपका देंगे। ये हमें अच्छे से चिपकाना है और कॉर्नर्स हम पानी से चिपकाएंगे। सेम ये प्रोसेस हम दो बार राउंड राउंड शेप में यूज़ करेंगे। हमें बिल्कुल आराम से बनाना है। अब हमें एक खाली पेन से डॉट डॉट करके एक डिज़ाइन देंगे। इसके कंप्लीट होने के बाद हम वाइट कलर लेंगे, इसमें कलर करेंगे, जिससे हम जब दूसरी बार कलर करें तो हमारा वुड ना दिखे और कलर खिल कर आए। ये लो, हमारा वाइट कलर हो गया। ये वाइट कलर करने का एक राज है कि जब हम दूसरी बार कलर करें तो हमारा वुड ना दिखे और कलर खिल कर आए। अब हम इस पर अपना दूसरा कलर कर सकते हैं। मुझे इस पर पिंक कलर करना था तो मैंने इस पर पिंक कलर किया। आप अपना फेवरेट कोई भी कलर कर सकते हो। वैसे आपका फेवरेट कलर कौन सा है मुझे कमेंट करके बताओ, और पिंक हार्ट्स दे दो बहुत सारे। तो चलो, हमारा ये कलर हो चुका है। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे मिरर्स चिपकाना। इससे हमारे लिपण आर्ट में जान आ जाएगी। अब हम एक एक करके इसमें डिटेलिंग से मिरर चिपकाएंगे। हमें ये काम बिल्कुल आराम से करना है। ये देखो, बातों बातों में मेरा फर्स्ट राउंड चिपक चुका है। अब हम अंदर साइड राउंड मिरर चिपकाएंगे, जिससे ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगे। तो ये देखो, मैंने राउंड एंड लीफ शेप दोनों चिपकाए हैं। आप भी कोई भी मिरर्स यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद आए। अब हमारा मोल्ड भी सूख चुका है, तो अब हम फटाफट इस पर वाइट कलर लगा देंगे, जिससे ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगे। और इसमें थोड़ी सी हम डिटेलिंग भी ऐड कर देंगे। आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, कैसी भी शेप दे सकते हो, कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो, कोई भी मिरर्स यूज़ कर सकते हो। हमारा मिरर गंदा हो गया था तो मैंने इसको साफ़ किया। ये देखो, हमारा मिरर भी साफ़ हो गया और ये हमारा लिपण आर्ट हो गया है रेडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।